यार मैंने आपको बताया मौका गया था, पूरा 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 प्रोग्राम मुझे इंडिया से टैग होके आ रहे थे फेसबुक पे, ये कप्तान देखिए जरा इस कप्तान को, ये मौका मौका गा रहा है। अरे मैंने बोला भाई क्या हो गया यार, अगर इतना मौका मौका आप लोगों ने किया तो एक बार हमें भी करने तो मौका यार। वो भाई बुलेटिन में सरफराज अहमद चल रहे यार एक दो, मैंने वर्ड मौका के गा दिया। मैंने तो देखा, मुझे तो हंसी आ रही थी, मतलब जो उनका एंकर जैसे कहते ये कप्तान पाकिस्तानी कप्तान। अरे मैंने बोला भाई मैंने कौन सा कोई जुर्म कर दिया, बंदा मार दिया यार। तुम लोग 15 साल से हमारे साथ मौका मौका लगाए हुए थे, अगर मैंने 2 लाख बोल दी, वो भी अपनी क्राउड के कहने पर, इतने लोग आए हुए थे वो लोग गा रहे थे, तो ऐसा कोई नहीं था उनके कहने पर। लेकिन यार की बात है, हमारी हमें खुशी है हमारा मुल्क जीता, हम अपने मुल्क के लिए जो नहीं, भी हिम्मत होगी मौका मौका करने की जित बुरी तरीके से भाई। क्रिकेट क्रिकेट जो देखें, जो शिकस्त हुई वो ये वाली ऐसी शिकस्त है हमेशा 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 याद रहेगी, क्योंकि जितनी बड़ी उनकी टीम थी और जिस तरह वो लोग थे कि यार हम लोग जीत जाएंगे आएंगे और बिल्कुल लपेट के ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जीत तो ऐसी थी कि वो उनको हमेशा याद रहेगी। ये शिकस्त ऐसी थी ना कि नानी याद दिला दी यार। शेब भाई रहने देना, मैंने बोल दिया तो आपको पता क्या होना है फिर, आज आज रहने जाने दें जाने दें बस जाने दें बस, क्योंकि पहले भी मैंने बोल दिया था तो आपको पता है, वो मैंने आपको बताया ना, वो फिर एक बार होगा ये कप्तान ये क्या रहे भाई क्या हो गया यार। अच्छा वो तो शादाब का या आमिर का? नहीं आमिर का तो है ही, वो जो 3 आउट पहले, लेकिन जो शादाब और मैंने जो उसके बैट्समैन को आउट करने के बाद, तो वो जो हमारा एग्रेशन था वो नहीं बोलता, हालांकि पूरी ट्रॉफी उसको रिकॉल करो ना, वो क्या था मामला? देखिए हुआ ये था कि जादव बैटिंग करने आया तो उसने पहले चौका मारा शादाब को, आती पहली बार युवराज को आउट किया और उसने आती ऐसे पीछे ठक्कर के चौका मार दिया। फिर मैंने बोला इसने मेरे बॉलर को चौका, अच्छा मतलब ऐसे मारा का कोई मसला ही नहीं ना उसके लिए, उतना कहीं कर दिया। फिर उसके बाद हसन आया, उसने ना टांग निकाली, सिर्फ खड़े खड़े बल्ला यूँ किया, चौका हो गया। मुझे कोई किसी अपने बॉलर पर गुस्सा नहीं था, मुझे गुस्सा ये था कि ऐसी की तैसी मेरे बैट्समैन को ये खेल कैसे रही है, तो मुझे ये था कि बस ये आउट, इसको आउट करना है साले को, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके लिए कोई मसला ही नहीं, हमने यहाँ इतना प्रेशर 5 आउट कर दिए, उनकी दुनिया खिला दी हमने, और ये आके मेरा भाई टांग निकाल रहा ना कुछ निकाल रहा है, ये चौका। अच्छा भाई जब वो आउट हुआ तो वो एग्रेशन सिर्फ उसको ही था, कोई किसी बॉलर को नहीं था कि तू ऐसे कैसे खेलेगा भाई मेरे बॉलर को, फेंटी लगा रहा था वो, मतलब उसने 2-3 चौके ही मारे थे, लेकिन वो चौके ऐसे मारे थे अनयूजुअल, मतलब कि उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, हमारे बॉलर यहाँ पे पूरा जोर लगा रहे हैं, वो आ रहा है यूँ बल्ला किया यूँ चौका यूँ चौका। मैंने बोला अच्छा बेटा ऐसी चल रहा है यहाँ पे, तो वो एग्रेशन उसको था कि बेटा इतना ईजी नहीं है। अच्छा पांड्या जब फेंटी लगा रहा था उस वक्त थोड़ा सा ना ज़्यादा नहीं था, हालांकि उस वक्त मसला ये हुआ कि इमाद को क्रैम पड़ गए, इमाद को क्रैम पड़ गए, शादाब को छक्के मारे उस वक्त कोई मैटर नहीं था, जब उसको 3 छक्के मारे मैंने शादाब को अगला ओवर भी दिया, और मुझे पता था कि शादाब नहीं तो शादाब इसको आउट कर देगा। हुआ ये कि अगला ओवर जो है वो जडेजा पूरा ओवर खेल गया, लेकिन ऐसा कोई वरी वाली बात नहीं थी, हाँ थोड़ी सी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, टेंशन हुई थी थोड़ी सी, लेकिन वो जितनी देर में टेंशन हुई थी उतनी देर में टेंशन खत्म भी हो गया, काम हो गया। तो उस वक्त अगर इमाद होता तो शायद इतना नहीं होता, क्योंकि उसने फ़खर को 2 छक्के मार दिए, फिर शादाब को थोड़ा अच्छा खेला, वो खेल अच्छा रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि फास्ट बॉलर जब आएंगे तो वो इंशाल्लाह आउट हो जाएगा, लेकिन वो फास्ट बॉलर ने जब अल्लाह ताला ने उसको आउट